हाँ जी, तो खलील भाई और मैं अभी हैं देवारिया में। यहाँ पर हमने एक पुल देखा है रिवर के ऊपर से ना, और उस मेरे ख्याल में वो शायद लकड़ी का बना है, तो उधर जा रहे हैं, जाके आपको दिखाते हैं वहाँ से नज़ारा कैसा है। यार यहाँ पर रिवर के रिवर आ रहे हैं। अब या तू आ या फिर हाँ हम जाएं। ये खलील भाई द ग्रेट। अच्छा, तो ऐसा सीन है कि सर्दियाँ जैसे जैसे आ रही हैं, तो ये जितने भी रेवड़ वाले हजरात हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी पड़ जाती है, तो ये नीचे मैदानी इलाकों में माइग्रेट कर रहे हैं। किधर है यार वो रिवर? वो पता नहीं, वो वहाँ से नजर, वो सामने है। अच्छा जी, तो ये सामने पुल है लकड़ी का, अभी हम वहाँ जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं। ऐसे लकड़ी के जो पुल होते हैं ये हिलते भी हैं ना, डर बड़ा लगता है वैसे। चलें शुगर लगाते हैं जाके। खलील भाई ये भी अच्छा है। ओए 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 यार, लकड़ी का पूरा बड़ा डर लग रहा है। टैं 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 टैं। ये जो लड़के आ रहे हैं ना, ये खामखा जंप मार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक, क्या हो रहे हैं? ठीक ठाक हो? नाम क्या है आपका? माजिद मुनीर। स्कूल जा रहे हो? जी। स्कूल तो बंद नहीं है? ट्यूशन। अच्छा, ट्यूशन जा रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स में पढ़ते हो? जी। जिंदाबाद यार। ठीक है, यार इतना प्यारा व्यू है ना कि आपको हम बता नहीं सकते। आप वीडियो देखें और फिर बताएं, और कमेंट में बताइएगा कि इस तरह के ब्लॉग्स अगर आपको पसंद है तो बताइएगा, ताकि हम पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करें और इस तरह के ब्लॉग्स बनाएं, हर जगह की ब्यूटी आपको दिखाएं। अच्छा, मैं आपको ना ज़रा टिप देता जाऊँ। टिप ये है कि ताऊपट हम गए तो वो बड़ा सस्ता था, उसकी रिहाइश भी सस्ती थी और उसका खाना भी सस्ता था। अभी हम देवारिया में हैं, तो देवारिया में हम रात 12 बजे पहुँचे हैं। यहाँ का सीन ऐसा है कि रूम जो है, पहले वो कह रहे थे 2000, और फिर करते कराते बार्गेनिंग, क्योंकि बार्गेनिंग के भाई एक्सपर्ट है सारे, खसूसन खलील भाई, तो हम ना उसको 1250 में ले आए हैं। 1250 रुपये में हमें रूम मिल गया, और बाकी खाना पीना जो है थोड़ा बहुत तो महंगा होता ही है, जो 20 की चीज़ है 30 की मिलेगी, इतना तो चलता ही है। तो ये सीन है। बताने का मकसद ये है कि आप कभी भी अगर दीवारियाँ आते हैं, आपने रति गली जाना हो,
तो यहाँ पे आप हल्की फुल्की पहले बार्गेनिंग करें, आपको 1500 रुपये तक रूम मिल जाएगा, अच्छा रूम मिल जाएगा, सही है। और बाकी जितने भी एक्सपेंस हैं वो मैंने आपको वीडियो के साथ साथ बता दिए हैं, ताकि आपने जब भी आना हो, क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे बंदे जिनकी हेजिटेशन होती है कि यार पता नहीं क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे और वो ईज़िली आएँ, घूमें फिरें और बजट ट्रैवल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम निकल रहे हैं रति गली के लिए और हमारे साथ चार और दोस्त हैं जिन्होंने हमारे साथ क्या किया, शमूलियत अख्तियार किया। क्या नाम है भाई आपका? सामा खान फ्रॉम बहावलपुर। बहावलपुर सामा अहमद फ्रॉम बहावलपुर। इनकी शादी कराई है? फैसल बुखारी फ्रॉम बहावलपुर। रिश्ता तू देखा ना, दिखा दूँ। सुल्तान नूर फ्रॉम लाहौर। और ये इन तो जानते ही होंगे, फखरे हैदराबाद। फखरे हैदराबाद घूम रहे, सिंगल घूम रहे यार। कोई है लड़की वड़की सिंगल हो गया तो ऐसी बातें व्लॉग में थोड़ी करते हैं। हां भैया शरीर सिंगल, शरीर सिंगल। हाँ भाई शुगर लगाए रखो जी, गुड हो गया, गुड हो गया। चलो जी गुड हो गया, अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं। रस्ते में आपको नज़ारे दिखाते हैं, सिनेमैटिक्स दिखाते हैं और दिखाते हैं कि रत्ती गली की जो खूबसूरती है।